हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस के घर से जब से जैस्मिन गई है, भाई खबरें आ रही हैं कि अली गोनी को नींद आना बंद हो गया है। वो रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं और रात को इधर उधर टहलते रहते हैं। जी हाँ, अली गोनी खुद अपने मुंह से बताते हुए नजर आए कि वो अब ढंग से सो नहीं पा रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ गई है। वो रात को अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद उनका पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहता है। वेल दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा अली गोनी को अपने सर पर कोई कैप या कोई साफा बांधे हुए। जी हाँ, वो उसी का नतीजा है कि वो ढंग से सो नहीं पाते हैं। वेल, उन्होंने ये बात खुलकर बयां की। उन्होंने बताया कि मैं अब सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे रात को ढंग से नींद नहीं आ पाती है, मैं काफ़ी डिस्टर्ब सा फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। वेल, हम सब जानते ही हैं कि किस चीज़ की कमी है। अली ये बता भी चुके हैं कि उन्हें जैस्मिन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ जैस्मिन ही थी और उनके बाद राहुल वैद्य। वेल, राहुल वैद्य तो घर के अंदर बरकरार है, लेकिन जैस्मिन बसीन नहीं है। वो हर रोज़ उन्हें सुबह आकर उठाती थी, उनके साथ काफ़ी देर तक बैठी रहती थी, काफ़ी गप्पे मारते थे। लेकिन अब जब से जैस्मिन घर से बेघर हुई है, तब से अली काफ़ी अकेले हो गए हैं। वो रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं और उन्हें सही तरीके से नींद नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। वेल दोस्तों, अब तो हम यही कहेंगे और हमारी सलाह यही है मेकर्स को कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि अली गोनी अपना गेम बहुत अच्छे तरीके से खेलें, तो आप कृपया करके जैस्मिन को घर में ले आएं। वेल, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर संशय में हैं कि जैस्मिन कब घर में आएंगी। तो भाई, हम आपको बता दें कि जैस्मिन जल्द ही घर में आ जाएंगी। और अगर कोई आपको ये कहता है कि जैस्मिन नहीं आ रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप सिर्फ अपने दिल पर यकीन कीजिए और हमारी बातों पर पूरा यकीन रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।